भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही चार मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। आपको बता दें कि भारत ने इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच 31 रनों से जीत लिया है और इस टेस्ट मैच से पहले अभ्यास मैच के दौरान भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ चोटिल हो गए थे, जिसके चलते उन्हें पहले टेस्ट मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ के फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। बता दें कि पृथ्वी शॉ ने सोमवार को दौड़ना शुरू कर दिया है और दूसरे टेस्ट के लिए उन्हें फिट होने की उम्मीद की जा रही है। शॉ को सिडनी में अभ्यास मैच के दौरान कैच लेते समय एड़ी में चोट लगी थी, जिसके बाद वो पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे। हालांकि पर्थ टेस्ट को लेकर अभी तक अपडेट कोई नहीं मिला है, लेकिन शॉ का खेलना शायद पर्थ में मुश्किल देखा जा रहा है क्योंकि वो चोट से उभर रहे हैं। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार से पर्थ में सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा और बता दें आपको कि पृथ्वी शॉ के चोटिल होने के बाद भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री ने कहा था कि पृथ्वी शॉ जब दौड़ने लग जाएंगे तब उनको टीम में वापसी कर लेंगे। बहरहाल ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या पृथ्वी शॉ दूसरे टेस्ट मैच में वापसी कर सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट डेस्क से गौरव की रिपोर्ट।